आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना मोबीक्विक का बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मैं और भी वीडियो देता हूँ तो उसमें क्या होता है कि कितने मेरे यूज़र्स की जो है एक कंप्लेन आ रही है कि आप जो भी वीडियो बना रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं बता पा रहे हैं, और थंबनेल भी अलग रहता है और बहुत सी चीज़ें अलग रहती हैं तो कुछ समझ में नहीं आता। तो आप एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए जिसमें अच्छे से आप एक्सप्लेन करके मुझे समझाइए, और उसमें दो से तीन चीज़ें मत बताइए, सिर्फ एक ही चीज़ एक्सप्लेन करिए और अच्छे से एक्सप्लेन करिए। चलिए मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे अपना मोबीक्विक बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। यदि आपको ये ट्रिक पहले से पता होगा तभी वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं पता होगा तभी वीडियो को लाइक करिएगा, और 100% मैं आपको सिक्योर हूँ कि आपको ये जो ट्रिक है पसंद आएगी। लेकिन ये जो ट्रिक है ये ओनली उन यूज़र्स के लिए है जिनके पास फास्टैग है। यदि आपके पास भी फास्टैग है पेटीएम का तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पार्क प्लस ऐप। पार्क प्लस ऐप हम लोग बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यदि अभी भी आपके पास पार्क प्लस ऐप इंस्टॉल है, यदि नहीं तो इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने से अकाउंट बनाना बहुत ही आसान, मोबाइल नंबर डालिए, OTP आएगा, अकाउंट बन जाएगा। मैं आपको बात कर रहा हूँ पेटीएम फास्टैग। यदि आपका पेटीएम फास्टैग है, कोई भी पार्ट पेटीएम फास्टैग पहले से है या अभी ओल्ड है, वो वर्किंग कर रहा हो या ना कर रहा हो, तब भी आपको यहाँ पर यदि आप पार्क प्लस ऐप में जाके आप पेटीएम फास्टैग का रिचार्ज करते हैं तो अभी वो जो आपका फास्टैग जो वर्क नहीं कर रहा है वो वर्क करेगा। ये भी एक अपडेट है जो मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में, कि इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं बात करूँगा पार्क प्लस ऐप की। तो पार्क प्लस ऐप में आपको जाना है, रजिस्टर्ड करना है अपना पेटीएम फास्टैग का जो नंबर है, जो आपका गाड़ी का व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इंटर कर देना है। जैसे हम इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर पहले सबसे पहले समझ लीजिए आपको यहाँ फास्टैग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर इंटर करना है। तो भैया हम यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर रिचार्ज के सेक्शन में आ जाता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक रिचार्ज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, रिचार्ज वाले सेक्शन पे क्लिक करिएगा। फ्रेंड, जैसे रिचार्ज वाले सेक्शन में आएंगे, आने के बाद अपना जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, जो आपकी आपका फास्टैग का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वही फास्टैग का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डाल देना। डालने के बाद जैसे आप व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं तो प्रोसीड के सेक्शन क्लिक करिएगा। फ्रेंड, जैसे प्रोसीड के सेक्शन क्लिक करना तो जितना आपको मोबीक्विक से अपना बैलेंस निकालना है उतना यहाँ पर अमाउंट आप डाल दीजिए। जैसे मुझे यहाँ पे 1000 रुपये निकालना है तो मैं यहाँ पे 1000 रुपये डाल के यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट मोड पे सेक्शन में क्लिक कर देता हूँ। फ्रेंड, जैसे सेलेक्ट पेमेंट मेथड से क्लिक करेंगे तो आपको जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन जैसे आप करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे मोबीक्विक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो मोबीक्विक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करने के बाद जैसे आप मोबीक्विक सेलेक्ट कर लेते हो तो आप ये पे सिक्योरली के सेक्शन में क्लिक करिएगा। यदि आप फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन करते हो तो इसके लिए आपको यहाँ 15 रुपये 16 रुपये कैशबैक आपको देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे 500 रुपये के ऊपर का अमाउंट करने पर आपको यहाँ पे सिक्योरली सेक्शन जैसे आप क्लिक करेंगे। फ्रेंड, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी देने को बोले तो कोई भी ईमेल आईडी आप यहाँ पे दे दीजिए। ईमेल आईडी देने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। फ्रेंड, उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज कर लेना, और आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना वही डाल देना जो है जिसमें आपका मोबीक्विक बैलेंस पड़ा हुआ। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड OTP करूँगा, तो मोबाइल नंबर जो डालूंगा उस पर एक OTP आएगा, उसको डालेंगे, और डालने के बाद हम मोबीक्विक ऐप में अपना लॉगिन हो जाएंगे। फ्रेंड, जैसे आप लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन होने के बाद जस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको मोबीक्विक बैलेंस वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यदि आप नहीं शो होता तो आपको यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जिससे भी आप पे करना चाहें उससे कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड से आप पे करना है क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, और डेबिट कार्ड से डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, और अपना वॉलेट जो बैलेंस वॉलेट, तो मेरे वॉलेट में जो बैलेंस वो 850 रुपये है, और मुझे जो पे करना है मुझे 150 रुपये एक्स्ट्रा पे करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 150 रुपये के यहाँ पे अपना यहाँ पे डेबिट कार्ड चॉइस कर लेता हूँ और यहाँ मैं पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पेमेंट मैं कर देता हूँ। यहाँ पर आप चाहें तो अपना पॉल पे वीज़ा कार्ड और यहाँ पर धनी कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो धनी कार्ड से भी पेमेंट हो जाता है, वीज़ा कार्ड से भी हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर पेमेंट थोड़ा सा फेल होता है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्रेडिट कार्ड से करना है पेमेंट एक दो बार फेल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मोबीक्विक पहले से पेमेंट ऐड करके रखिए, जब पेमेंट ऐड रहेगा तो डायरेक्टली आपके वॉलेट से पेमेंट कट जाए। जैसे 850 में पहले से पड़े था, 150 रुपये यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ तो टोटल मुझे 1000 रुपये जो मेरे बैंक अकाउंट में पहुँच जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे हो जाएगा पेमेंट आपको यहाँ पे सक्सेसफुल दिखा देगा, तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रेस बैक बटन वगैरह नहीं यूज़ करना, ठीक है। नहीं तो आपका डायरेक्टली जो पेमेंट है वो फेल हो जाएगा, फिर पेमेंट आपका कट जाएगा और इस प्रकार से आपका नहीं होगा।
फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पे मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे चेक कराता हूँ जो मेरा पेटीएम में बैलेंस ऐड हुए कि नहीं हुए। तो फ्रेंड्स मैंने पार्क प्लस ऐप से यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है, दोनों ट्रांजेक्शन मेरा सक्सेसफुल रहा है। तो आपको पता है कि मोबीक्विक वैलेट टू बैंक ट्रांसफ़र इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। अब मैं पेटीएम में दिखा देता हूँ आपको बैलेंस। तो फ्रेंड्स प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे मनी रिसीव हो गया टू डे, आप देख सकते हैं 12:52 पे, एक मैंने 1200 किया था फिर 1000 रुपये किया। इस प्रकार से आपको समझ में आएगा। आई होप मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपको लिए ये वीडियो बनाया है। वीडियो पसंद आने पर लाइक करिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए और ऐसी अपडेट पाइए और अपना फीडबैक दीजिए। मैं उस पर आपको लोगों के लिए उस फीडबैक के लिए मैं काम करूँगा और आगे जब भी वीडियो आएगी तो उसकी क्वालिटी में और बेस्ट कर दूँगा। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरे मोबाइल और मेरे कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम चल रही, इसीलिए आपको वीडियो ऐसे मिल रही, नहीं तो आपको 100% जेन्युइन और बिल्कुल एज अ बिल्कुल स्मूथ वीडियो मैं आपको देता था। अभी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है इसलिए वीडियो में थोड़ा आपको समझ में नहीं आता। ओके ठहरू नास्टॉक को बाय नाउ।